सबसे बड़ी चीज क्या होती है? इखलास। खुदावंद आलम को इखलास चाहिए होता है अमल में। और इखलास क्या है? इखलास यह है कि तुम किसी भी अमल को अगर अंजाम दे रहे हो तो उसे छुपा दो। मौलाए कायनात नहजुल बलागा में फरमाते हैं, अफ़ज़लुज़्ज़ुहद इख़फ़ाउज़्ज़ुहद, बेहतरीन अमल और बेहतरीन तकवा यह है कि अपने अमल को छुपा दो। बहुत मशहूर नाम है, आपकी मस्जिद में किताब रखी होगी, मफातिहुल जनान, है ना? नाम सुना है इस किताब का? सबने सुना है। पूरी दुनिया की मस्जिदों में यह किताब रखी रहती है, पूरी दुनिया की, शियों की बात कर रहा हूं, जहां जहां मस्जिदें हैं, अमेरिका से लेकर खाड़ी देश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कहीं भी चले जाइए, दुनिया में जितनी जबानें शिया बोलते हैं हर जबान में उसका तर्जुमा हो चुका है। किसने लिखी है? एक बहुत ही टूटे फूटे मकान में रहने वाले शेख अब्बास कुम्मी ने, बहुत ही टूटे फूटे। आपको उनके इखलास का सिर्फ एक नमूना दिखाऊं, सिर्फ एक नमूना। मफातिहुल जनान से पहले उन्होंने लिखी थी क़िबला तशरीफ फरमा मनाज़िलुल आखिरा, उर्दू में भी उसका तर्जुमा हुआ है। आखिरत में जो मनाजिल हैं उनका तज़किरा हदीस और कुरान की रोशनी में एक जबरदस्त किताब उन्होंने लिखी थी, जबरदस्त किताब अपने जमाने में, और तालिबे इल्मी के जमाने में लिखी थी। कमाल ये था, यानी जब वो बूढ़े हो गए या बुजुर्ग हो गए, उस वक्त नहीं, तालिबे इल्मी के जमाने में लिखी थी, उस जमाने की लिखी हुई किताब। वो किताब जब छप के मार्केट में आई है और आने के बाद बिकना शुरू हुई है, तो हौजे के असातिज़ा में से एक उस्ताद उस किताब को खरीद कर लेकर आए और मस्जिद में रोजाना उस किताब के एक एक सफ़े को पलट पलट कर लोगों के लिए बयान करते थे। उनका काम यही था कि उसी किताब से पढ़ पढ़ के और लोगों के लिए दर्स दे रहे हैं, आकिबत का, तकवा का, दीन का, ईमान का दर्स उसे सुना। शेख अब्बास कुम्मी के वालिद चूंकि बुजुर्ग थे काफी, लिहाजा उस दर्स में नहीं आते थे, दरवाजे से सुनते रहते थे, उसी दर्स को कान लगा के दरवाजे से वो सुनते रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि शेख अब्बास की वालिदा ने कहा कि जाओ अपने बाबा को बुला लो। अब वो आए बाबा को बुलाने के लिए, देखा मस्जिद में दर्स हो रहा है, दर्स दरवाजे के पास बैठ के कान लगा के सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा बाबा वालिदा बुला रही हैं आप। अरे देखो इतना अच्छा दर्स कह रहे हैं वो। बाबा ने अपने बेटे से कहा देखो कितना उम्दा दर्स कह रहे हो। तो ये मुस्कुराए लेकिन बताया नहीं कि जिस किताब से कह रहे हैं वो आपके बेटे ने लिखी है, ये नहीं बताया। कहा देखो इस तरीके से दर्स दिया जाता है, इस तरीके से किताब लिखी जाती है। कुछ नहीं, खामोशी, चुपचाप बैठे। इनके बास दोस्तों को यह बात मालूम हुई कि शेख अब्बास कुम्मी की किताब से कोई दूसरा इंसान दर्स कहता है और उसका बाबा उसके ऊपर बहुत फख्र करता है, तो उन्होंने कहा अपने बाबा से बता क्यों नहीं देते कि काम मैंने किया है, काम मैंने अपने बाप के लिए नहीं किया, खुदा के लिए किया है। अगर मुझे अपने बाबा से वाहवाह चाहिए होती, बाबा से तारीफ चाहिए होती, तो मैं अपने बाबा को बता देता कि ये काम मैंने किया है, चूंकि मैंने खुदा के लिए किया है। जब कोई इंसान इतना मुखलिस होता है तो उसकी किताब कुरान के साथ साथ हर मस्जिद में नजर आती है, जिसे मफातिहुल जनान कहा जाता है। अब आप समझे जनाब फातिमा जहरा ने क्या फरमाया? जनाब फातिमा जहरा फरमाती है कोई खुलूस के साथ अपने अमल को अगर खुदा के लिए भेजता है तो खुदा भी बेहतरीन मसलहतें उसके लिए अता कर देता है, बेहतरीन जजा उसके लिए। इसी दुनिया में आज जब भी राजूला सिटी की शिया इस्नाशरी की मस्जिद में बैठकर जब भी कोई मफातिहुल जनान का एक वर्क भी पढ़ता है तो उसका सवाब शेख अब्बास कुम्मी को जाता है। कैसे? खुलूस से जब कोई अमल किया जाता है तो सवाब का दरवाजा कभी बंद